हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं, उनके आंसर जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, 4, 3, 2 या फिर 1। तो जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन कहलाता है एपोमिक्सिस, अनिषेक बीजता, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन। तो इसमें भी जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं क्लोन, युग्मक, युग्मनज या फिर संतति। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी या फिर समलिंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है असूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, सूत्री विभाजन या फिर केंद्रक विभाजन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, होमोलिन क्या है, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर हार्मोन। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव है अंडप्रजक, अंडजरायुज, अंडोत्सर्ग या फिर सजीव प्रजक। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की। तो इसमें आपको बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणपोष रिक्त स्थान केंद्रकीय होता है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कवक एवं शैवाल का सजीवी संबंध रिक्त स्थान कहलाता है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउनलोड ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से 12वीं IIT जे या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउनलोड ऐप पर। साथ ही डाउनलोड पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जे और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टीकों में संबंधित रोग के रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ, रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक रिक्त स्थान है। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया हुआ, टाइफाइड रोग की पहचान रिक्त स्थान द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, डीएनए खंडों को रिक्त स्थान एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें मछली पालन को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, BOD का पूरा नाम लिखिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेने अपने एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ, सही जोड़ियाँ बनाइए, कॉलम आ दिया हुआ, कॉलम बी दिया हुआ, इसमें अच्छे से मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से देखते जाइए, आपका जल्दी से दोस्तों देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका पेपर।
ये दोस्तों जल्दी से देखते जाइए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।